हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग वर्ड ब्रेक के बारे में जानेंगे। द वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द लाइन ब्रेकिंग रूल्स फॉर नॉन CJK स्क्रिप्ट्स। CJK का मतलब होता है चाइनीज, जापानीज और कोरियन स्क्रिप्ट्स। इसके अलावा आप लाइन ब्रेकिंग का रूल सेट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। सो वी कैन सेट दिस प्रॉपर्टी टू नॉर्मल, ब्रेक ऑल और कीप ऑल। ये तीन वैल्यूज हमें मिलती है इस प्रॉपर्टी में सेट करने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ, नॉर्मल डिफॉल्ट रहता है, तो ये हम लोग ब्रेक ऑल और कीप ऑल को देखेंगे। नॉर्मल का मतलब होता है ब्रेक वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजुअल रूल्स, जो कि डिफॉल्ट रहता है। ब्रेक ऑल का मतलब होता है लाइन्स मे ब्रेक बिटवीन एनी टू लेटर्स। और कीप ऑल का मतलब होता है ब्रेक्स आर प्रोहिबिटेड बिटवीन पेयर्स ऑफ लेटर्स। सो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले कि एग्जाम्पल इसको किस तरीके से लिख सकते हैं आप, जैसे कि पैराग्राफ में अगर इसको आपको अप्लाई करना है तो वर्ड ब्रेक और ब्रेक ऑल आप लिखते हैं। इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग हटा देते हैं। मैंने एक बॉर्डर बनाया हुआ है, इस बॉर्डर के अंदर ही आपको ये दिखाई देगा। इसको रन करते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं। देखते हैं कि नॉर्मली ये कैसे हमें दिखाई देता है। तो आपको ये इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। इसको ऐसे स्टार्टिंग में रखते हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं क्या, ब्रेक ऑल। अब ब्रेक ऑल अप्लाई करने के बाद इसको हम लोग रन करते हैं, तो इसी में करते हैं, इसी में रिफ्रेश कर लेते हैं। आप देखेंगे डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस पर ध्यान दीजिएगा, क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैंने ये किया, आप देख पाएंगे कि यहाँ दिस के बाद ये ट्यूटोरियल्स था, तो टी यहाँ दिखाई दे रहा है और ट्यूटोरियल्स यानी कि ये वर्ड को ब्रेक कर दे रहा है। एक वर्ड था, ये पूरा क्या है, एक वर्ड है ट्यूटोरियल्स, TUTO, ये पूरा एक वर्ड है, लेकिन ये इस वर्ड को ब्रेक कर दे, इसको जितना स्पेस मिल रहा है उतना ये ले रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे बिलो, तो ये BEL यहाँ दिखाई दे रहा है और OW यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ भी आपको देखेंगे क्वेश्चन वर्ड को भी इसने ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेक कर देता है वर्ड्स को। अब अगर हम लोग कीप ऑल वैल्यू की बात करें, तो कीप ऑल क्या करता है, चलिए देखते हैं। कीप ऑल मैंने यहाँ लगा दिया, इसको हम लोग रन करते हैं और इसमें ही रिफ्रेश कर लेते हैं। सो जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये कीप ऑल करता है। कीप ऑल का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ नहीं आ रहा है पूरा वर्ड, तो आप इसको नीचे लिख दीजिए, मतलब ब्रेक नहीं करना है वर्ड को, ठीक है। सो इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।